हम अक्सर खिलाड़ियों की तारीफ में तो कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, जिस तरीके से वो मेडल्स लेकर आते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं, उनमें तो कोई कमी नहीं रहती, पर हम भूल जाते हैं कि किस तरीके से हीरा हीरा बनता है, उसके पीछे जौहरी छुपा होता है। उसी तरीके से खिलाड़ी अगर खिलाड़ी बन पाता है तो उसके पीछे कोच होता है। और आज हमारे साथ खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं साहिल शर्मा जी, जो कि एशियन गेम्स में वुमेन टीम के कोच रहे हैं, ये रेसलिंग टीम के कोच हैं, और इन्हीं के अंडर गीता फोगाट, बबीता फोगाट, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट जैसे खिलाड़ी बाहर निकल कर आए हैं। विनेश फोगाट जिन्होंने हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है एशियन गेम्स में और भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। इसी के साथ सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपको कैसा महसूस होता है जब आपके खिलाड़ी जिन्हें आप सिखाते हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर भारत को प्रेजेंट करते हैं और मेडल जीत कर लाते हैं? सबसे पहले तो मैं कंग्रेचुलेशन दूंगा पूरे देश को जी, आज हमने हिस्ट्री रची एक रेसलिंग में। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि वुमेन रेसलिंग में गोल्ड आया एशियन गेम्स में, तो इसके लिए पूरे देश को मुबारक हो। सबसे पहले कंग्रेचुलेशन है। आपका क्वेश्चन है कि हम कैसे हमें फील होता है जब ये, कहीं भी आप देख लो कि अब शायद जब आपका एक फ्लैग, जब अदर कंट्री में जाके जब आपका फ्लैग चलता है तो वो जो फीलिंग होती है ना, वो हम उसको बयान नहीं कर सकते। मतलब आप किसी के घर में जाके अपनी चलानी तो ये एक अलग ही फीलिंग होती है, क्योंकि हम सबको पता है कि इस वक्त एशियन गेम्स चल रहे हैं जकार्ता में और हमारे कोच भी जकार्ता से होकर आए हैं। वहां पे किस तरीके का माहौल था, खिलाड़ी किस तरीके से वहां चल रहे थे, माहौल क्या था गेम्स का, वो फुल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो होगी ही, उसके अलावा आपने क्या कुछ देखा सीखा आगे के लिए? जी अभी हम लास्ट वीक में हम जकार्ता से वापस आए हैं, मेडल्स लेके आए हैं, दो गोल्ड लेके आए हैं, एक ब्रॉन्ज लेके आए हैं, ये एक बड़ी अच्छी बात ही। बट वहाँ के अगर मैं आपको बताऊँ तो एक बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर था वहाँ जकार्ता में, एक विलेज में हम लोगों को रखा था, सभी गेम्स वहीं पर थी, सभी गेम्स के प्लेयर्स वहाँ पर थे, हम गेम्स नहीं थी सॉरी, बट प्लेयर्स सभी वहीं के थे, तो बड़ा एक अच्छा था कि सारे इंडियन से एक साथ हों तो एक दूसरे को बूस्टअप करते हैं। हॉल्स भी हमारा रेसलिंग का, वुशू का, टेबल टेनिस सब आसपास थे, तो कई बार जब हमारे कॉम्पिटिशन्स नहीं होते थे तो हम वुशू में चले जाते बूस्टअप करने के लिए, जब उनके रेस्ट होता था वो हमारे हॉल में आ जाते थे, तो ये एक बड़ा अच्छा एक एटमॉस्फेयर मिला वहाँ देखने को। जी बिल्कुल, वहाँ पे तो आप इंडिया के जो सबसे बेस्ट खिलाड़ी थे हर गेम के वो सभी थे, और वहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ थी कि सभी डिसिप्लिन में थे, तो ऑब्वियसली एक चैंपियन तो वही बनता है जो डिसिप्लिन में होता है, जो डिसिप्लिन में नहीं होगा, जो अपनी गेम को अपने से ऊपर मानेगा तो वो शायद आज भी नहीं और कल भी नहीं, मैं तो ये मानूंगा। डिसिप्लिन में थे, अब हमारी विनेश थी गोल्ड लेने के बाद भी एक अच्छा, मतलब सॉरी डिनर के टाइम पे कई बार होता था भीड़ हो जाती तो हमें लाइन में रहना पड़ता, तो लाइन में थी, मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि हम कि हाँ नहीं मैं मेडल लेके आई हूँ तो या मेडल लेके आया, तो कोई वाली कोई बात नहीं थी। बच्चों मैं तो बच्चों नए बच्चों से ये कहूँ बेटा डिसिप्लिन में रखो, रहो 100% गेम्स आपके सपोर्ट करेगी। और ये भी देखा जाता है कि जिस तरीके से खिलाड़ी एशियन गेम्स में गए हैं और वहाँ जिस तरीके से घुल मिल गए, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंसेस पे अगर उनको देखा जाए तो उनके लिए आप क्या कहेंगे, परफॉर्मेंस वाइज किस तरीके से परफॉर्म किया है उन्होंने वहाँ? जी कुश्ती में हम, मैं तो रेसलिंग में बात करूंगा कि हम उसको अगर एनालाइज करते हैं, एनालाइज करता हूँ तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप में थोड़ा सा अभी कमी देख रहा हूँ हमारी गेम्स में ना, क्योंकि हम सिर्फ 3 मेडल लाए हैं, बट उम्मीद थी हम कुछ कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हो गई कुछ, शायद मतलब प्लेयर्स किस्मत नहीं थी हम कह सकते हैं। जैसे हम साक्षी मलिक का ही मेडल ले लें, वो लास्ट के 9 सेकंड में अब पॉइंट लूज कर गई, तो 9 सेकंड अगर हम देखा जाए, एक नॉर्मल लाइफ में 9 सेकंड्स क्या है, 9 गिनेंगे तो सेकंड्स खत्म, बट वो 9 सेकंड्स हमें पता चला कि वो कितने ज़्यादा होते हैं कि हमने एक मेडल खो दिया अपना। पूजा डांडा थी वो, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स रह गई, अब कोशिश करेंगे आगे वर्ल्ड चैंपियनशिप पे, हमारी मेन मोटिव हमारा 2020 है, 2020 ओलंपिक गेम्स हैं, तो उसमें तो हम मैक्सिमम से मैक्सिमम मेडल लेने की कोशिश करेंगे। अभी तभी ओलंपिक जी, अभी तो मेन टारगेट हमारा है कि ओलंपिक्स में, अब हमने मेडल तो आएंगे हमें इतना पता है, बट अब हमने कलर कौन सा लाना, हम हमारा ये फोकस है, इम्पोर्टेंट है रिकॉर्ड बनाना, नंबर 1 रहना और गोल्ड, क्योंकि मुझसे तो कोई पूछता कि जब जाने से पहले भी किसी ने पूछा जी आप कितने मेडल लाओगे, मैं सर आप कितने की बात ना करो, मैं तो इस क्वेश्चन
का आंसर दूंगा ही नहीं, मैं तो सिर्फ इसी का आंसर दूंगा कि कलर्स कितने लाएंगे, कौन सा आएगा ये बताओ आप। और दूसरी बात मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी कि रेसलिंग जो स्पोर्ट्स है वो हमारी मिट्टी से जुड़ा हुआ स्पोर्ट्स है, तो यहाँ पे प्रेशर ये आता है कि आपको अपने देश को प्रेजेंट करना है और यहाँ पर रैंक बनी रहे वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वो मिट्टी वाली रेसलिंग, वो मड रेसलिंग है वो? नहीं नहीं, मैं मेरा मतलब था वो रूट से। हाँ, वो एक वो जड़ है, जड़ है हमारी, एक पुरानी चलती आई है महाभारत के टाइम से है। तो प्रेशर आज के टाइम पे हमारी कुश्ती तो रेसलिंग तो बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब पहले था कि हमारे मेडल्स नहीं आते थे, पार्टिसिपेशन होती थी वो भी किसी किसी की होती थी, बट आज के टाइम पर हम मेडल्स ला रहे, कोई कंपटीशन ऐसा नहीं होता जिसमें हम खाली हाथ वापस आते हैं। अब मई में शायद एशियन चैंपियनशिप थी, उसमें भी हम गए थे, उसमें भी हिस्ट्री बनी थी, नवजोत कौर है हमारी, फर्स्ट टाइम गोल्ड आया था। तो अब एक गोल्ड का सिलसिला अगर शुरू किया हमने तो हम क्यों ना इसको 2020 तक लेके जाएं। बिल्कुल, तो ओलंपिक्स का टारगेट है अब 2020 में ओलंपिक्स के लिए गोल्ड लाना है। उम्मीद करते हैं ना सिर्फ गोल्ड लाए बल्कि सारे रिकॉर्ड तोड़ दे हमारी महिला रेसलिंग टीम। जिस तरीके से भारत का राष्ट्रीय गान गूंज उठता है, क्योंकि वो एक क्षण होता है जिसके लिए हम सब इंतजार करते हैं कि कब हमारे भारत के खिलाड़ी कोई मेडल जीते और वो राष्ट्रगान देश को सुनने को मिले, उसके बाद आपको कैसा महसूस होता है? जी, एक स्पोर्ट्स ही एक ऐसा जरिया है जिसमें हम दूसरी कंट्री में जाके अपना नेशनल एंथम चला सकते हैं, तो एक बड़ी अच्छी फीलिंग होती है वो, मतलब एक प्राउड वाली फीलिंग होती है कि मतलब किसी की कंट्री में जाके हम अपना हमारा नेशनल एंथम बज रहा है और सल्यूट कर रहे हैं सभी, तो वो अमेजिंग होता है वो। तो खिलाड़ियों की जर्नी की बात तो हम बहुत सुनते हैं, अगर इस कोच की जर्नी की बात की जाए जो कि आप हैं, आपकी जर्नी किस तरीके से रही है? जी, मैं जम्मू से बिलोंग करता हूँ, मैं पहले खुद एक प्लेयर था, बट मैं ज़्यादा कर ना पाया, 2-3 साल बस की मैंने, उसके बाद इंजरी हो गई, हेड इंजरी हुई थी पीछे, तो फिर कुछ सर्कमस्टांसिस ऐसे थे कि मेरी छूट गई। तो फिर उसके बाद हमारे वहाँ पे दुष्यंत शर्मा जी हैं, SSP रूलर है, वो फर्स्ट इंटरनेशनल है जम्मू के, वो अपने टाइम पे 10 साल लगातार गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं नेशनल में, तो एक हिस्ट्री है वहाँ की, वो शायद ये हिस्ट्री कभी टूटे भी ना, मुझे नहीं लगता कोई तोड़ पाएगा। तो फिर उन्हीं के गाइडलाइन पे मैंने ये कोचिंग कोर्स किया, तो उसके बाद 2010 में मैंने NIS की थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स होती है ये पटियाला में, वहाँ से डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग किया, उसके बाद से मेरा ये कोचिंग का सफर शुरू हुआ था। तो स्पोर्ट्स पर्सन की अपनी जर्नी होती है, उनका अपना स्ट्रगल होता है, कोच भी कितनी मेहनत करता है। सर, ट्रेनिंग आप जिस तरीके से देते हैं, बहुत बड़ा प्रेशर होता है प्रदर्शन का कि आप ना सिर्फ राष्ट्रीय लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी भारत को, एक देश को प्रेजेंट करते हैं, तब आप पे ये प्रेशर आता है कि उनको ट्रेनिंग करें, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है और ट्रेनिंग का तरीका क्या होता है? हाँ जी, ट्रेनिंग का तरीका तो यही है कि मतलब अब वो पहले वाली गेम्स तो रही नहीं है कि सिर्फ हम एक ही चीज पे, अब हमें स्ट्रेंथ भी चाहिए, इंडोरेंस भी चाहिए, स्पीड भी चाहिए, मेंटली स्ट्रांग भी चाहिए, फिजिकली स्ट्रांग, तो मतलब एक कॉम्बो करके हमें एक प्लेयर को हमें उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो प्रेशर का यही होता है कि जब बाउट्स अंदर मैट पे चल रही होती हैं, उस समय जो प्लेयर से ज़्यादा शायद कोच को प्रेशर होता है कि प्लेयर ने तो अंदर जाके खेलना है, बट कोच को ये भी ध्यान रखना है प्लेयर से कोई गलती ना हो जाए, हम कुछ गलत गाइड ना कर दें उसको, बाहर से कुछ ऐसा ना बोल दें कि वो उसके लिए नुकसान हो जाए। तो बड़ा एक प्रेशर वाला वो टाइम होता है जब इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल क्या हम स्टेट लेवल पे भी देख लें, एक कोच की बड़ी प्रेशर वाली लाइफ है। प्लेयर्स तो आएंगे, सुबह प्रैक्टिस करेंगे, इवनिंग में प्रैक्टिस करेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से हम टीवी पर भी देखते हैं कि खिलाड़ियों के चेहरे पर तो वो प्रेशर दिखता ही है, पर उससे ज्यादा जो फील्ड के बाहर कोच खड़ा रहता है और जो जज्बा वो उत्साह बनाकर रखता है अपने खिलाड़ी से बात करते हुए कि किस तरीके का प्रेशर है, उसको हैंडल करना है, एक कॉन्फिडेंस लगातार बना रहता है, वो एक जो खिलाड़ी और गुरु मतलब कोच के बीच या खिलाड़ी के बीच जो कनेक्शन होता है वो इशारों में भी चलता है, उस पर क्या कुछ कहेंगे? जी, वो एक कॉम्बिनेशन ही है, एक प्लेयर को और उसके कोच का अगर कॉम्बिनेशन ही है तो वो शायद वो एक टीम अच्छी बन ना पाएगी। तो कई बार तो सिर्फ एक इशारे से हमें बोलना पड़ता है कि भाई ये काम कर लो, ओपोनेंट कई बार तो बोलने लैंग्वेज सेम होती है तो ओपोनेंट भी समझ ले, तो कई बार कुछ इशारे ऐसे करने पड़ते हैं कि अपना प्लेयर समझे और दूसरे को पता भी ना चले। अच्छा, एक समय था जब खिलाड़ियों के लिए खेल का मतलब होता था कि देश के लिए, भारत के लिए, अपने देश के लिए गोल्ड लाना, कि हमारा टारगेट है गोल्ड लाना। अब हो गया है कि पूरे विश्व में नंबर वन बनना है और रिकॉर्ड तोड़ने हैं जो पिछले रिकॉर्ड बने हैं, उसके लिए क्या तैयारी रहती है और उस पर आप क्या कहेंगे?
हाँ, अब तो ये आपके सही, जैसे आपने सही एकदम बोला कि अब तो वो मेडल्स तो रहे नहीं है कि अब इंटरनेशनल बनना है। पहले आज से आप 5-7-8-10 साल पहले ये होता था कि बस हम इंटरनेशनल हो जाए, पार्टिसिपेशन कर लें, एक बात हमारे लिए वही है। बट आज के टाइम पे जो इंडिया की स्पोर्ट्स चल रही है, या जो मैं तो अपनी गेम के लिए कहूँगा, जो हमारी रेसलिंग की जो भी टीम्स जाती हैं, ग्रीको रोमन फ्री स्टाइल या वुमेन्स की जाती है, तो अब हमारी सोच ये नहीं होती कि हमने पार्टिसिपेट करना या मेडल्स लाने हैं। मेडल्स तो हमें पता है हमारे आएंगे, बट अब हमारी डिस्कशन ये होती है कि अब कलर कौन सा आएगा। अब हम फोकस करते हैं कि ऑब्वियसली येलो कलर, सिल्वर और ब्राउन्स, गोल्ड सिल्वर एंड ब्राउन्स तो ये होता है, बट अब सारा फोकस होता है कि मैक्सिमम गोल्ड हम ला सके। तो वो हमने इस बार कोशिश की है कि नहीं, अच्छा हमने ठीक है, कहीं कमी रह गई हमें, कुछ सिर्फ 3 ही हम ला पाए, बट नहीं, पर बहुत गर्व की बात है किस तरीके से महिला रेसलिंग में गोल्ड आया है, आपके आपके ही शिष्य लेकर आए हैं, तो ये बहुत आपके लिए तो गर्व की बात होगी ही कि पहली बार गोल्ड आया है। इसके अलावा मैं आपसे एक सवाल करूंगी, अगर नर्वसनेस की बात की जाए, क्योंकि अब प्रेशर होता है प्रदर्शन का, आप सिलेक्शन हो गया, आपने अपना खिलाड़ी भी चुन लिया, अब उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे जहां कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा होगा, वहां प्रदर्शन का प्रेशर होता है, वहां नर्वसनेस के लिए क्या कहेंगे इस बात पे? वो एक्चुअली जब ये जो हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया, ये 1-1.5 महीना कंपटीशन से पहले हमें मिल जाता, तो वो 1-1.5 महीने में हमें अपने प्लेयर को हर तरीके से तैयार करना है, उसको मेंटली भी करना है, फिजिकल भी स्ट्रांग करना है। प्रेशर किस टाइम पे, अगर हम कंपटीशन के टाइम पे, अगर ऑब्वियसली प्रेशर हम पे भी होता है, लेकिन अगर हम प्लेयर को शो करते हैं कि नहीं अपोनेंट आपका इतना स्ट्रांग है, हम प्रेशर में आ जाएंगे, तो ऑब्वियसली हमें देख के तो शायद वो कहने के ज्यादा इस चीज को अपने पे हावी होने देंगे। एक शिष्य के लिए एक गुरु जरूर होता है, पर गुरु के लिए शिष्य बहुत सारे होते हैं, इसी तरह रेसलिंग में भी अलग अलग कैटेगरीज होती है वेट वाइज, तो अगर उसकी बात की जाए तो आपके पास बहुत सारे खिलाड़ी हैं अलग अलग कैटेगरीज में, उन सबको अच्छे से तैयार करना है, उसका क्या प्रेशर रहता है और उसकी तैयारी आप कैसे करते हैं? जी, हर एक प्लेयर का वेट कैटेगरीज होती है रेसलिंग में, एक फर्स्ट वेट कैटेगरी 50 kg भी है और लास्ट 76 kg भी है, तो 50 कैटेगरी के लिए ट्रेनिंग अलग है और 76 वाले के अलग है, तो ये एक पूरा बैठ के हम सभी कोचेज बैठ के एक पूरा प्लान बनाते हैं कि किस वेट कैटेगरी में क्या चीज़, किस प्लेयर को में क्या कमी है, कुछ में स्पीड ज़्यादा है लेकिन इंडोरेंस कम है, कुछ में स्पीड कम है इंडोरेंस ज़्यादा, तो एक कॉम्बो करके हमें एक प्लेयर को तैयार करना पड़ता है। तो ये बात तो हुई खेल की, एशियन गेम्स की, देश के बात हुई, हम क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, आप ही की जगह की बात करेंगे, तो वहां पर किस तरीके का माहौल रहता है, खिलाड़ियों में किस तरह का उत्साह रहता है, क्योंकि अब खिलाड़ियां आ रहे हैं, उनको खेल में रुचि बढ़ रही है, उनका किस तरीके का रुझान रहता है इस तरह? जी, पहले के हम कंपेरिजन में देखा जाए तो आज जम्मू में स्पोर्ट्स काफी बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं एक कुछ ना कुछ कमियां आ रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी हम कह सकते हैं इसको, बट ये कि एक स्टेप आगे बढ़ चुका है, एक जो पहले तो कुछ भी नहीं था, आज हम चलो एक हमने रास्ता ले लिया कि अब गवर्नमेंट भी अब बच्चों को दे रही है, साथ दे रही है, बट कहीं ना कहीं जितनी होनी चाहिए उतनी हो नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं वो कमी रह रही है अभी। इसमें मैं पूछूंगी कि खिलाड़ियां आगे बढ़ रहे हैं और अब तक वो मुकाम हासिल नहीं हो पाया, तो वो उसके कारण क्या है जम्मू कश्मीर में? सबसे पहला तो ये है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, अब मुझे नहीं लगता कोई भी गेम ऐसी होगी जिसके पास एक इंटरनेशनल लेवल का उसका स्टेडियम होगा या उसका हॉल, जो भी जैसा भी उसको प्लेटफॉर्म चाहिए, वो इंटरनेशनल लेवल का कुछ भी नहीं होगा, तो सबसे बड़ी कमी तो यहीं पर जाती है। और हम फैसिलिटीज की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स के फील्ड में फैसिलिटीज तो बहुत कम ही है, नाम मात्र के लिए हैं, पर क्योंकि आपने करीब से देखा है उन फैसिलिटीज को, जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स देखा है, तो आपको क्या लगता है अभी और कितना होना चाहिए और कितनी कमी अभी है? नहीं, अभी जैसे कि मैंने बताया कि कमी तो काफी है, बट एक गवर्नमेंट ने एक स्टार्ट कर दिया अब जम्मू कश्मीर में, की गवर्नमेंट है जो उसने एक लाइन पकड़ लिया, हम कहते हैं उसको, कहीं ना कहीं आहिस्ता आहिस्ता कमियां दूर, उम्मीद करते हैं कि कमियां दूर होंगी इस चीज़ को लेके। अब फील्ड पे काम दिखेगा, अगर फील्ड पे काम दिखेगा तो अच्छा होगा, प्लेयर्स के लिए होगा, कोचेस के लिए होगा, स्पोर्ट्स के लिए अच्छा होगा, अगर आप टेबल तक काम रखोगे तो वो तो होगा नहीं, वो कहीं ना कहीं एक वो फिर टेबल तक ही रह जाएगा, ग्राउंड लेवल पे तो दिखेगा नहीं आपको कुछ भी। तो जिस तरीके से आप देखते हैं खिलाड़ियों को भी, उनका किस तरीके का रुझान रहता है, वो कितने अपने आप को इस फील्ड की तरफ लाते हैं, डिमांड्स होती होंगी सरकार से, वो कुछ आपके सामने आई हो, लोग क्या कहते हैं, खिलाड़ियों का क्या डिमांड रहती है? जी, अभी तो मेन सबसे पहले खिलाड़ियों की यही डिमांड है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर उनको मिल जाए, एक अगर मैं अपनी गेम की बात करूं, मैं चलो रेसलिंग का हूं तो मैं अपनी गेम की बात करूंगा कि एक अगर हॉल मिल जाए 2-4 मैट का, तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स अच्छे आएंगे जम्मू के, क्यों ना आएंगे। अगर एथलेटिक्स को सिंथेटिक ट्रैक मिल जाए तो रिजल्ट 100% हम लोग देंगे, क्योंकि टैलेंट जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बट कहीं ना कहीं कोचेज भी पूरा काम कर रहे हैं, प्लेयर्स भी लगे हुए हैं, बट
कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर अक्सर इस फील्ड में जम्मू कश्मीर में दिक्कत ये देखी जा रही है कि खिलाड़ियां हैं पर उनको आगे मोटिवेशन नहीं मिल पा रही, उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आपने बोला कि नहीं मिल पा रहा है। अगर इसके बाद बोलूं कि बेहतर सीख उनको सीखने को मिले तो इसके लिए कुछ सरकार से आप कहना चाहेंगे कि एक वो फील्ड एनवायरनमेंट मिल पाए उन्हें? जी सबसे पहले तो स्पोर्ट्स पॉलिसीज नहीं है हमारे जम्मू कश्मीर में। अब जो मेडल्स ले आएंगे उनको तो सब अपनी तरफ लेने की कोशिश करेंगे कि चलो हमारा हम भी फोटो खिंचा लें या कुछ इनाम दे दें, कल पेपर में हमारी भी उनके प्राइवेट फर्म्स आ जाएंगी। बट जो उनको इंटरनेशनल तक पहुंचाने का जो रास्ता है बट उसमें बच्चों को सपोर्ट नहीं मिल रही है। मैं एक नाम नहीं लूंगा किसी स्टेट का, बट एक स्टेट में डिस्ट्रिक्ट लेवल से ये चीज़ें शुरू हो रही हैं। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो एक प्लेयर है हर सेंटर में से एक एक प्लेयर उठाया जा रहा है, उसको फाइनेंशियली सपोर्ट दी जा रही है। मैं नहीं कहता कि फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाए प्लेयर को, बट उसके सप्लीमेंट्स, उसका जो प्रोटीन वगैरह का जो उसको खर्चा कम से कम वो अगर गवर्नमेंट दे दे तो एक बच्चे को बहुत बड़ी हेल्प है। वहीं खेल में आगे बढ़ने के लिए जो खिलाड़ी निकल के आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में, अक्सर देखा गया है कि उन खिलाड़ियों को दूसरी स्टेट में जाना पड़ रहा है सुविधाओं की वजह से। ये बहुत बड़ा लैक है जम्मू कश्मीर की सरकार के लिए कि आपके होते हुए भी एक अच्छी तरह से गवर्नमेंट चल रही है आप बोलते हैं, पर उसके बावजूद खिलाड़ियों को खेलने के लिए, सीखने के लिए, कोचेस के लिए दूसरी स्टेट्स में जाना पड़ रहा है, कितनी बड़ी हार है? जी ये तो काफ़ी गलत बात मैं कह सकूँगी प्लेयर्स को, और प्लेयर्स अगर अपना भी सोचे, अगर सिर्फ अपना लेकर सोचे तो उनके ऑब्वियसली हर इंसान जो आगे जिसने अपना प्रोफेशन बनाया है वो तो अपना जहाँ अच्छा होगा वो देखेगा। अब यहाँ पे हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, हॉल्स नहीं है, फील्ड्स नहीं है, तो अब इंटरनेशनल लेवल पर जब हम जाएंगे वहाँ पर तो एक फील्ड मिलेगी ना, तो वो तो हम देखेंगे, वो तो ये एक्सक्यूज़ देखेंगे नहीं कि जम्मू के पास कुछ नहीं था इसको एक्सक्यूज़ दिया जाए, वो तो कंपटीशन वैसे ही देखेंगे। बट इसके लिए अब उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट कुछ काम करेगी। एक बहुत अच्छा रिजल्ट आया इस बार जम्मू कश्मीर का, फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में मेडल आया है, वुशु में मेडल आया भानु प्रताप का, तो कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूँ मैं पहले उसको। एक उसने हिस्ट्री क्रिएट की है, ये बहुत अच्छी बात है। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं जब गेम्स में था तो वहाँ पे कम से कम 12 से 15 लोग सिर्फ जम्मू कश्मीर के दिखे, कुछ मैनेजर्स थे, कुछ ऑफिशियल्स थे, कुछ प्लेयर्स थे, कुछ टीम कोचेस थे, बट एक ये काफ़ी अच्छी आगे मोटिवेशन है नए जो नए बच्चे आ रहे हैं या जो कोचिंग लाइन में जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए एक अच्छा मोटिवेशन कि आप देख लो एशियन गेम्स में पहली बार ऐसा होगी 12 से 15 लोग अगर जम्मू कश्मीर के जा रहे हैं तो एक बड़ा अच्छा संकेत है हमारी गवर्नमेंट। अच्छा ये तो बात हमने की शिष्यों की और स्टूडेंट्स की, अब हम बात करेंगे कोचेस की, तो वहाँ वो कितने अच्छी तरीके से बन पाए हैं जम्मू कश्मीर में, कोचेस कितने उभर के आ रहे हैं? क्योंकि देखते हैं कि बहुत कम कोचेस हैं हमारे पास हमारी राज्य में। हाँ ये जैसे आपको नॉलेज है इस चीज़ का कि कोचिज काफ़ी कम है हमारे पास, बट आप देखो कि जितनी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है कुछ भी नहीं, हम ना के बराबर हम उसको कह सकते हैं कि वो ना के बराबर, उसके बावजूद भी अगर जम्मू कश्मीर के मेडल्स आ रहे हैं तो ये एक कोचिज की काफ़ी एक हम कह सकते हैं कि काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपको नेशनल में मेडल्स मिल रहे हैं तो इससे अच्छी और क्या बात। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है कि क्योंकि राज्य सरकार में इतने सारे खेल हम कर पा रहे हैं, कुश्ती में हो या फिर रसलिंग कह लीजिए, वेट लिफ्टिंग में भी है, बैडमिंटन है, कितने सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिनमें हम स्टेट लेवल पे करते खेल का करते रहते हैं प्रदर्शन और उसमें बच्चे भाग भी लेते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? हाँ ये अब जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स की तरफ काफ़ी एक बच्चों का रुझान बढ़ रहा है इस चीज़ को लेकर, मतलब एक इनिशिएटिव ले रहे हैं उसको स्पोर्ट्स के लिए। उनको जैसे मैं ही बता दूं कि मुझे पता है मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ तो मैंने स्पोर्ट्स में अपनी प्योर सीख रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा हम सीखते ही जा रहे हैं, जितना ज़्यादा कर सके उतना अच्छा है। और ये नए नए बच्चे आते जा रहे हैं वो देख रहे हैं, उनको एग्जाम्पल्स मिल रही हैं आज के टाइम पे, जब वो देख रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल, पहले तो हमें सोच ही होती थी कि इंटरनेशनल लेवल पे कहाँ कोई जम्मू का जाएगा, बट आज के टाइम पे अगर देखा इंटरनेशनल में मेडल्स भी आ गए, जाना तो दूर की बात है, तो ये काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा बच्चों को। और बच्चों को किस तरीके से कहेंगे कि ना सिर्फ मेडल्स के लिए खेलना चाहिए, प्रदर्शन जरूरी है, पार्टिसिपेशन जरूरी है, तो उसके लिए जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनको किस तरीके से प्रोत्साहित करते हैं?
देखिए मैं तो जितने भी बच्चे जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो कुछ सीनियर्स हो चुके हैं, जो अभी बीच में जिनको एक दो साल हो गया, मैंने मैक्सिमम देखा है कि क्या होता है, बच्चे घबरा जाते हैं, दो तीन साल देते हैं गेम को, वो कहते हैं हमारा कुछ नहीं हुआ, तो हम फिर वो काम छोड़ के किसी शॉप पे काम कर देंगे, किसी फैक्ट्री में कुछ, मतलब ऐसे घबरा जाते हैं जल्दी। बट बेटा मैं आप सबसे एक ही बात कहूंगा, आप कोई भी गेम ले लो, चाहे वो मेरी रेसलिंग होगी, चाहे वो एथलेटिक्स होगी, कोई भी एक गेम ले लो, कोई भी फेंसिंग ले लो, कुछ भी, मिनिमम एक गेम आपका कम से कम भी 6 से 8 साल लेती है। कम से कम आप 6 से 8 साल आपको गेम को देने पड़ेंगे तो गेम आपको रिस्पांस देगी आगे से। अब 2-3 साल में तो बेटा आपको पता ही नहीं चलता, बच्चों को पता ही नहीं चलता कि हम 4 साल के बाद, तो मैं कहता हूँ रेसलिंग में 4 साल में पता चलता है कि कुश्ती ये चीज है, करनी तो दूर की बात है। देखिए हम बात तो कर रहे हैं 7-8 साल के, पर साथ ही जो प्रेशर रहता है फैमिली की तरफ से या सोशल प्रेशर भी होता है समाज का कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ खेलते भी हैं, तो अब पेरेंट्स पे ये रहता है अगर खेल में नहीं निकल पाया तो फिर क्या करेंगे, तब पढ़ाई चाहिए, अब वो भी नहीं हो पाएगी तो फिर क्या फायदा। वही ना, वो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है, हम पेरेंट्स की भी कमजोरी यही है, बच्चों की भी यही है कि वो जल्दी घबरा जाते हैं। बेटा आप, मैं तो यही बोलूंगा बच्चों से कि आप पेशेंस रखो, पैशन रखो और डेडिकेशन रखो, अगर ये 3 चीजें आप लेके चलोगे 100% रिजल्ट एक ना एक दिन आपके फेवर में होगा ये गेम्स का। ये मेरा एक एक्सपीरियंस भी कह सकता हूँ मैं इसको, या मेरा एक्सपीरियंस है या मेरी एक जो थॉट्स हैं स्पोर्ट्स को लेके, मैं इसको जरूर मानूंगा। तो ये तो बच्चे मानेंगे ही, पेशेंस, पैशन, डेडिकेशन, जो आपने कहा पीपीडी हो गया एक तरीके से। इसके अलावा मैं ये कहूंगी जो बच्चे इस तरह रुझान ले रहे हैं, वो चाहते हैं इस फील्ड में निकलना, पर क्योंकि सोर्सेज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनको क्या गाइडेंस देंगे कोच के तौर पर? देखो मैं तो यही कहूंगा कि अब आज के टाइम पे जम्मू कश्मीर की फैसिलिटीज काफी बढ़ गई है, तो मेडल्स आपके सामने आ रहे हैं, नेशनल्स में भी आ रहे हैं, जब वो बच्चे ले सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं ले सकते? आप ये सोच के चलोगे, ये सोच के अगर आप प्रैक्टिस करोगे कि ठीक है हमारे सीनियर्स लाए तो हम क्यों नहीं ले सकते, हम किसी से काम है गया। अब ये 2-3 चीजें अपने लाइंस अपने दिमाग में रखो, जब भी प्रैक्टिस के लिए आओ तो 100% आप एक ना एक दिन चैंपियन बनोगे। आखिर मैं आपसे पूछूंगी, एक कोच के तौर पर आप स्टूडेंट्स को कितना प्रोत्साहित करेंगे कि अगर आपके पास आ सकते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो वो कौन सा जरिया, क्योंकि इस वक्त कितने ही खिलाड़ी आपको देख रहे होंगे और वो चाहते हैं कि जिस तरीके से आपने गीता फोगाट, बबीता फोगाट को तैयार किया है, उनको भी तैयार किया जाए, देख रहा होगा कोई एक शिष्य आने वाले दिनों में आपका शिष्य बनेगा, उसको क्या कहेंगे? जी मैं स्पोर्ट्स काउंसिल में अभी भी उस पर जॉब पे हूँ, मैं जे एन के स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल, एम एस स्टडी में मेरी ड्यूटी है, बट ये है कि मैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे हूँ अभी। तो अभी वो डजंट मैटर कि कॉन्ट्रैक्ट वहाँ नहीं मिलूंगा कॉन्ट्रैक्चुअल है, बट मैं आपको वहीं पे मिलूंगा, वहीं पे मेरा सेंटर चलता है, वहीं पे हम प्रैक्टिस करते हैं, बट जब कैंप्स में मैं होता हूँ तो वहाँ मैं फिर कैंप्स में अब जैसे वर्ल्ड का कैंप लगेगा तो वहाँ पे होगा मैं। बाकी स्पोर्ट्स काउंसिल का मैं यही बोलूंगा कि काफ़ी एक सपोर्ट कर बच्चों को करनी चाहिए आगे स्पोर्ट्स काउंसिल की। अब हमें इतना फायदा है, मुझे इतना फायदा होता है कि जब कैंप्स में जाना होता है तो ये परमिशन दे देते हैं मेरे को कि आप ठीक है ऑन ड्यूटी मेरे को भेज देते हैं। आगे देखो जो नए सेक्टर साहब आए हैं क्या उनकी क्या सोच है। तो हमने बात की, खास मुलाकात की साहिल शर्मा जी से, जिन्होंने बताया कि कैसे पेशेंस और पैशन और डेडिकेशन के साथ कोई भी खिलाड़ी हर मुकाम को हासिल कर सकता है, और आप लोग जो चाहते हैं स्पोर्ट्स में आगे निकलना और इसी डेडिकेशन के साथ अपने आप को बनाए रखें और देखते रहिए, मोटिवेशन अपने अंदर रखिए और उनसे सीखिए जो आपके सीनियर्स हैं जो इस फील्ड में हैं। कोच ने भी बताया कि क्या कुछ माहौल है स्पोर्ट्स का इस वक्त जम्मू कश्मीर में, किस तरीके से तैयारी करना चाहिए, हो सकता है अगली गीता या बबीता आप निकले और गोल्ड लेकर आए भारत के लिए जम्मू कश्मीर से। खास तौर से हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर से कोई खिलाड़ी निकले, एक नहीं दो नहीं बस लगातार निकलते रहे, हर साल जम्मू कश्मीर से ऐसे खिलाड़ी निकले जो गोल्ड लेके आए। साथ ही सरकार से भी एक अपील की जाएगी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की सोर्सेस की कमी खिलाड़ियों को है और खिलाड़ी जिस वजह से आप पीछे रह जाते हैं उस कमी को भी पूरी की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।